सभा सैशन लैके विरोधी धिर स्थानक हुकूमत हमलावर नजर आ रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल तो कांग्रेस ने कई तरह के बड़े सवाल खड़े किए हैं बीते दिन के सैशन लैके। सो कहा गया सबका सीएम चन्नी द्वारा कि पंजाब सरकार सैशन संबंधी राज्यपाल को चिट्ठी भेज के रेगूलर करे तो उत्थे ही तुम्हें दस दिए कि चन्नी साहब कहें कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की थान जी है राज्यपाल के गलबात करे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वकीलों के लखों रुपए जोड़ा बर्बाद कर रही है उसको बंद किया जाए। जे चिट्ठी के नाल हल हो सकता तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की की लोड़ है। तो उधर बिक्रम मजीठिया ने भी कई तरह के वे सवाल खड़े किए हैं सैशन लैके, जिते उन्होंने स्पेशल सैशन को गैर संविधानिक करार दिता है। तो उत्थे मजीठिया कहें कि सैशन से आए करोड़ों के खर्चे की रिकवरी चीफ मिनिस्टर मान जेब चो कर। सो हूँ देखना होगा कि आने वाले समय के स्थिति कहोजी नज़र आती है, लेकिन फिलहाल की घड़ी विरोधी तरह स्थानक हुकूमत से हमलावर नजर आ रही है। गवर्नर कहता है कि इलीगल है जो आप विधानसभा का सेशन बुला रहे हो, तो इसमें क्या जाता है कि उसको एक चिट्ठी डालकर उसको रेगुलर कर लिया जाए, तो वहाँ जो है सरकार सही नहीं कर रही है। ये ठीक है कहीं और दूसरी जगह गवर्नर गलत होगा, लेकिन पंजाब में जो वहाँ की सरकार जो पार्टी चला रही है वो खुद कानून को नहीं मान रहे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें गवर्नर के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? जब एक गवर्नर को चिट्ठी डालने से सारा मसला हल होता है तो वहां जाकर पैसे लगाकर वकील करने की क्या जरूरत है? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮ ਐਲ ਏ ਮਜੀਠਾ ਗਨੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ और वह जिक्र तक ना करो, आम आदमी पार्टी का चेहरा एक्सपोज। नहीं नवंबर से की करोगे जी जो